हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आई थी अपनी नर्सरी में और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर के प्लांट हैं, तो उन्हीं को आज हम लोग प्रोपेगेट करने जा रहे हैं। सो मेरी मम्मी यहाँ पर प्रोपेगेट कर रही हैं और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस ट्राइपॉड फिर से ख़राब हो गया, तो इसीलिए अब हाथों से ही कैमरा पकड़ना पड़ेगा। सो मॉन्स्टेरा का प्लांट बड़ा है, इसीलिए हम इनके लिए बड़े पॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी का मिश्रण बनाया हुआ है और गाइस ये जो मिट्टी का मिश्रण है, इसमें हम लोगों ने गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, पत्तों की खाद, काउडंक वाला मैन्योर और थोड़ा सा जो कोको पीट है उसका इस्तेमाल किया है। सो इसीलिए हम इस तरह से इस प्लांट को लगा लेंगे। इस पॉट में ढेर सारे ड्रेंच होल भी प्रेजेंट है, सो वी डोंट मेक टू मेक एनी काइंड ऑफ होल इन दिस पॉट्स। सो गाइस हम बस प्लांट को लगा रहे हैं यहाँ पर। अभी तो रोज़ ही प्रोपगेशन चल ही रही है गाइस। आप लोगों को कल भी आई थिंक मैंने प्रोपगेशन का वीडियो बनाया था और आज भी देखिए गाइस यहाँ पर प्रोपगेशन का अगेन वीडियो बना रही हूँ। और कल शायद गाइस आप लोगों के लिए मैं गुलदाउदी का जो ट्रांसप्लांट करने वाला वीडियो है वो लेकर आऊँगी। बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे को आज भी हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो कल अपलोड कर दूँगी मैं इसके रिगार्डिंग। बहुत सारे गमले की ज़रूरत पड़ गई है घर पे, क्योंकि घर पे भी हम हर साल गुलदाउदी को सजाने के लिए हमेशा गमला रखती हैं, लेकिन इस बार गाइस गमला नहीं खरीद रहे हैं। ऑलरेडी घर में 400-500 गमले हैं, तो जिसमें इंडो प्लांट्स है उसी को हम खाली कर रहे हैं। इंडो प्लांट्स को हम प्लास्टिक बैग्स में लगाएंगे, ग्रोइंग बैग्स में, नहीं तो डायरेक्टली उनको गार्डन में लगा देंगे। सो दोनों में से एक काम हम लोग करने वाले हैं। और कल गार्डन की पूरी साफ़ सफाई हो गई। गार्डन में जो इंद्र कमल था उसका बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, उसको हमने काट दिया, और साथ ही में उसके साथ साथ एक हिबिस्कस का प्लांट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था गाइस, हद से ज़्यादा पेड़ का साइज़ का हो गया था, और उसमें फल फूल भी उतने कम आते थे, तो इसीलिए हमने उसको कट करके अभी पूरा गार्डन क्लीन कर दिया है। मॉन्स्टेरा को लगाने के बाद यहाँ पर मैं सॉइल मिश्रण तैयार कर ही रही थी कि ये देखिए केचुआ आ गया और मेरी मम्मी ने इसको फेंक दिया। केचुए को गमले में नहीं रखना है, तो मैं ये सॉइल मिश्रण तैयार कर रही हूँ। और गाइस आप लोग सोच रहे हैं कि कौन से प्लांट के लिए, तो फाइलोडेंड्रॉन के लिए गाइस। मेरे पास फाइलोडेंड्रॉन का जो प्लांट था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो हम लोगों ने उसको कट कर दिया। और जैसे कि मैंने अभी अभी बताया ट्राइपॉड ख़राब है, तो एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हुई थी, मम्मी भी दूसरा मॉन्स्टेरा लगातार प्रोपेगेट कर ही रही थी, तो एक ही हाथ से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आई होप कि गाइस आप लोगों को मतलब ये प्रॉब्लम ना हो, आप लोग प्लीज़ दो हाथों से काम करें मेरी तरह, एक हाथ से नहीं। तो ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन वेरीगेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये मेरा फेवरेट मॉन्स्टेरा है गाइस, सॉरी गाइस मॉन्स्टेरा नहीं, फाइलोडेंड्रॉन है। तो इसे मैं सर से लगा रही हूँ, देखिए। तो ये जो भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ आप लोग दोनों हाथों से ही करें, मैं तो यहाँ पर मजबूरी है ट्राइपॉड ख़राब होने की वजह से ऐसा कर रही हूँ। सो एक ही हाथ से मैं अच्छे से इसको प्रेस करने की कोशिश करूँगी। सो ये बार बार निकल के बाहर आ रहा था गाइस, थोड़ा तो प्रॉब्लम हो रहा था एक हाथ से प्लांट को लगाने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लगा लिया जैसे तैसे करके। और यहाँ पर मैं इस तरह से पानी भी दे रही हूँ इसे जल्दी से। सो उसके बाद मैंने सोचा कि इस ग्रोइंग बैग में मैं मिट्टी को भर लूँ, लेकिन गाइस इसमें मिट्टी को भरना इतना ज़्यादा मुश्किल था। ये जो ब्राउन वाला गमला है उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं था, ये तो एकदम से गिर रहा था। ये देखिए मैं ऐसे मिट्टी डाल ही रही थी, ये गिरे जा रहा था। फिर इरीटेट होने के बाद मैंने इसमें, जी हाँ गाइस, इसमें मैंने मिट्टी फिल किया और इसी में मैंने फाइलोडेंड्रॉन को लगा दिया। सो ऐसे ही गमले में मैंने लगाया है। और बाद में जब मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो मैंने दोनों हाथों से गमले में भी लगाया। सो एक हाथ से काम करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
ये देखिए इसको भी मैंने लगा लिया है। ये फाइलोडेंड्रॉन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। सो ये वाला भी डन हो गया। अच्छे से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। सो आज ही इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए प्लान्स के बारे में और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। टेक केयर, स्टे सेफ, लव यू ऑल।